हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक्सेस के अंदर ये समस्या शायद आपके साथ भी आ रही होगी, जो समस्या हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके साथ आ रही है। अब क्या समस्या है वो समझिए। देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इसे मैंने ओपन किया है। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे, क्योंकि हम नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो हमें तो ब्लैंक डेटाबेस पे ही जाना होगा और डेटाबेस पे जाके क्लिक करना होगा। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर एक नया डेटाबेस आ गया है। मैंने बताया है हर वीडियो में लगभग कि यहाँ पर डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर तो डेटा एंट्री डायरेक्ट हो नहीं सकती, तो यहाँ पे हमें व्यू पे जाना होता है और डिजाइन व्यू पे जाना होता है और फिर यहाँ पे टेबल का नाम देना होता है। ठीक है, तो टेबल का नाम हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एक टेबल का नाम डेमो दे देते हैं, डेमो टी कर देते हैं, यानी डेमो की टेबल है, मतलब डेमो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पर बात करते हैं हम कि नेम, ठीक है, तो कोई भी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट टेक्स्ट नाम का डेटा टाइप आता है। अगर आप 2007 यूज कर रहे होंगे तो उसमें शायद टेक्स्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट कर दिया हमने। और यहाँ पर देखिए ये फील्ड साइज कितनी दिख रही है आपको, 255 दिख रही है ना, तो यहाँ पर गलती से अगर 3 हो जाएगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये 3, 4, 5 इसका मतलब है, क्या मतलब है वो समझिए। अब जैसे ही हम यहाँ पर व्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओके करते हैं, तो ओके करने के बाद जो है यहाँ पर नेम आता है। और नेम में जैसे मान लीजिए अब हम एक नाम लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए रितेश लिखना चाहते हैं, तो R लिखा हमने, I लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, T लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, E लिखा। अब देखिए ये E जैसे ही मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर E एंटर ही नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है कि फील्ड साइज हमने 3 दे दिया, जिसके वजह से ये दिक्कत हुई। अगर फील्ड साइज 4 कर देंगे तो एक और कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बस यही हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर पहले 255 था यानी 255 था, यहाँ पे देखिए 4 कर रहा हूँ। अगर 4 कर दिया तो एक कैरेक्टर और बढ़ेगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे R I T E लिख पाएंगे, S नहीं लिख पाएंगे आप। तो ये फील्ड साइज का महत्व है, और यही फील्ड साइज बढ़ा देंगे 10 15 20 25 कर देंगे तो फिर आप आगे काम कर पाएंगे। जैसे 24 कर दिया तो अभी देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा रितेश लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए E किया, फिर S H, और आगे लिखा मणि, और फिर यहाँ लिखा त्रिपाठी। तो यहां पर ये पूरा का पूरा नाम आप टाइप कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि 24 कैरेक्टर्स इसमें लेंगे, मतलब आप इंटर कर सकते हो, ये आपने परमिशन दे दी। तो फील्ड साइज का ये महत्व है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि फील्ड साइज का क्या मतलब एडवांटेज है यहां पर। तो फील्ड साइज जितना आप तय करेंगे उसके हिसाब से ये काम करेगा। क्लियर? ओके।